सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन एक बहुत ही उपयोगी आसन है इस सीरीज के लिए, और वज्रासन आप कभी भी कर सकते हैं, भले ही आपका पेट खाली हो या भरा हो। और आप इस आसन में 30 सेकेंड से 2 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी मेरुदंड और बैक सीधी हो। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लें और अपने हाथ की मुट्ठी बनाएं ऐसे दोनों हाथों से, और अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों को आप नाभि के आसपास रखें। सांस भरें, अपनी छाती को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और देखें कितना आप झुक सकते हैं। अगर आप पूरा झुक सकते हैं तो अच्छी बात है, अपने माथे को ज़मीन पर लेके जाएं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर मिलेगा आपके पेट के निचले भाग में। फिर सांस भरें, वापस आ जाएं और अपने हाथों को वापस वज्रासन में नी के ऊपर लेके जाएं, घुटनों के ऊपर रख के कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए विश्राम करें। धीरे से अपनी आंखों खोल लें और अपने पंजों के बल बैठें। अपने पंजों को करीबन आपकी हिप की दूरी पर रखें, हाथों से आप बैलेंस बना सकते हैं। फिर अपनी छाती को सीने को ऊपर की ओर लेके जाएं, पंजों को हाथ के पंजों को आप साथ साथ मिलाएं नमस्कार पोजीशन में, और थोड़ी देर मलासन में बैठें। 30 सेकंड से 2 मिनट तक आप इसको भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं और वापस वज्रासन में जाके नी के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, फिर सांस भरें, अपने दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर रखें, पंजे के ऊपर। सांस भरें, बाएं हाथ ऊपर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, बाएं हाथ से करेंगे। सांस भरें बाएं हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पंजे के ऊपर लेके जाएं, दाएं हाथ ऊपर।
सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अपने हाथ को जमीन पर लगाएं ऐसे, और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं पर्वतासन के लिए। और आप एक एक पैर करके आपके पैरों में स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर सांस भरें, दायां पैर आगे, घुटना नीचे, और अपने हिप को आप पुश करने की कोशिश करें नीचे की ओर। ये वाला आसन बहुत ही उपयोगी है, तो इसको करना आप ना भूलें। उसके बाद अपने पैर की उंगलियों को ऐसे टक करें, आपके घुटने को ऊपर की ओर उठाएं और आगे और पीछे की ओर मूव करें, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिले। आगे पीछे आपकी सांस प्रश्वास क्रिया को आप सामान्य रख सकते हैं जब आप ये कर रहे हैं। तो ये रॉकिंग आप करीबन 5 से 8 बार कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद नी को वापस लेके जाएं और वापस पर्वतासन में जाएं। फिर बायां पैर आगे, हिप को पुश करें नीचे की ओर, सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रहने दें। इसके बाद अपने पैर के उंगलियों को ऐसे टक करें, घुटने को ऊपर उठाएं और आगे पीछे की ओर रॉक करने की कोशिश करें 5 से 8 बार। उसके बाद वापस पर्वतासन में जाएं। और फिर अपनी घुटनों को जमीन से लगाएं मार्जरीआसन के लिए। सांस भरें, अपने सिर को ऊपर उठाएं, छाती को जमीन से लगाने की कोशिश करें। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को, चिन को छाती से लगाने की कोशिश करें। सांस भरें, अपनी बैक को आर्च करें। सांस छोड़ते हुए चिन को छाती से लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद मांडू की आसन करेंगे, तो उसके लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठें पहले, और फिर अपने पैर के पंजों को आप हिप से थोड़ा दूर रखें, तो आपके जो पेल्विक फ्लोर है, गुदा द्वार है, वो जमीन से टच होगी। फिर अपने हाथों को आप ऐसे घुटनों के ऊपर रखें, आंखों को बंद रखें, और ये आसन भी आप 30 सेकेंड से 2 मिनट तक आराम से कर सकते हैं।
के बाद वापस वज्रासन में जाएं और अपने घुटनों को थोड़ा खोलें और अपने हाथों को सामने रखते हुए आपकी छाती को जमीन से लगाएं, माथे को जमीन से लगाएं बालासन के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। बालासन काफ़ी उपयोगी है इसके लिए। बालासन आपकी शरीर की थकावट को दूर करेगा, दिमाग में अगर स्ट्रेस है तो उसको भी दूर करेगा। बालासन काफ़ी उपयोगी आसन है तो इसको भी करना ना भूलें। फिर जब भी रेडी हो धीरे से बैठ जाएं, वापस वज्रासन में बैठें फिर अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने फेस के ऊपर लगाएं। फिर धन्यवाद दें। नमस्कार।